पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के तत्वाधान में निकाली गई रथ यात्रा का सीतापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 16 मई कानपुर से पेंशन रथ 42 जिलों का भ्रमण कर सोमवार को सीतापुर पहुंचा, जहां संगठन के पदाधिकारियों की अगुवाई में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार भरी और सुनवाई न होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह मुद्दा अब देशव्यापी बन चुका है। मंच मार्च माह में पहले एक दिवसीय धरना दे चुका है। चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में अप्रैल मई में भी मांग उठाई गई। अब 27 जून को प्रदेश स्तरीय राजधानी में विशाल रैली होगी। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग न मानी गई तो वो मानसून सत्र में संसद को घेरेंगे और फिर भी सुनवाई न हुई तो भारत बंद होगा। जैसे कॉलेज सीतापुर सभागार में पहुंची पेंशन रथ यात्रा में एनडी द्विवेदी, शिवबरन सिंह यादव, एसपी गुप्ता, संजय गुप्ता, सरनाम सिंह, अशोक कुमार सिंह, तापस मिश्रा, राजेश पाल, हेमंत श्रीवास्तव, नरेश कुमार, कौशिक सहित तमाम शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। आंदोलन की जानकारी देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर एनडी द्विवेदी ने आई इंडिया को बताया, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये रथ यात्रा निकली हुई है। पुरानी पेंशन हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अब देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, तो इसीलिए देश स्तर पे, ये प्रदेश स्तर पे नहीं, देश स्तर पे सभी राज्य कर्मचारी और केंद्र के सभी कर्मचारियों ने मिल करके एक संयुक्त मंच का गठन किया है, जिसमें रेलवे, आयकर, पासपोर्ट से संबंधित पोस्टल, सारे केंद्रीय कर्मचारी और सभी राज्यों के राज्य कर्मचारी और शिक्षक साथी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, पूरे राष्ट्र के पेंशनर्स भी हमारे साथ हैं। तो एक संयुक्त मंच का गठन किया गया, उस मंच के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम हमें दिए गए हैं, जिसमें पहले एक दिवसीय धरना था पूरे भारतवर्ष के सभी जनपदों में, वो पूरा हो चुका है 21 मार्च को। उसके बाद अप्रैल में ऑनलाइन पिटिशन हमें फाइल करनी थी राष्ट्रपति महोदया को, तो 1.5 करोड़ पिटिशन हम लोगों ने फाइल की है सभी देश के कर्मचारियों ने। उसके बाद मई में 21 मई को मशाल जुलूस था भारतवर्ष के सभी जिलों में, जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। अब उसी तारतम्य में 27 जून को रैली है, ये रैली सभी राजधानियों में है, जितने भी प्रदेश हैं भारतवर्ष के सभी के राजधानी में प्रदेश स्तरीय रैली है। उसी क्रम में लखनऊ में भी रैली है, जिसके लिए हम लोग जनजागरण के लिए एक पेंशन रथ चल रहा है, और ये पेंशन रथ कानपुर से 16 मई को शुरू हुआ था और विभिन्न जनपदों में होता हुआ लगभग 42 जिलों में हम लोग अब तक पहुंच चुके हैं। उस रथ के माध्यम से सभी कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है कि वो 27 तारीख को इस रैली में भागीदारी करें। इसके बाद अगर सरकार हमारी पुनर्वास पेंशन बहाल नहीं करती तो मानसून सत्र में हम दिल्ली में संसद को घेरेंगे, उसके लिए पूरे भारतवर्ष कर्मचारी संसद घेरने के लिए दिल्ली में पहुंचेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती तो भारतवर्ष बंद करने के लिए हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग तैयार हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। जी जी, युवाओं को अब समझ में आ गया है, पहले हमारे युवा नहीं समझ पा रहे थे, अब पेंशन मिलना शुरू हो गई है। पहले जब योजना आई तो हमें बताया गया कि बहुत बढ़िया योजना है, जब पेंशन मिलना शुरू हुई और पता चला 515 रुपये और 200 रुपये और 1000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हुई, तो अब सब युवाओं की भी आंखें खुल गई हैं, सब लोग सचेत हो गए हैं और उन्हें अपना भविष्य नज़र आने लगा है कि 1000 रुपये पेंशन लेकर के उनका जीवन यापन कैसे होगा। और मुख्य बात यह है कि जो पेंशन हमें दी जा रही है नई पेंशन व्यवस्था में, ये फिक्स पेंशन होगी। अगर हम 60 साल में रिटायर होते हैं और 100 साल तक जिंदा रहते हैं तो अगर 1000 रुपये हमें मिली है पेंशन, तो वो 40 साल बाद भी, 100 साल में भी हमें 1000 रुपये मिलेगी, और आज से 40 साल बाद इस 1000 रुपये में एक दिन की सब्जी भी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से जो कर्मचारी हैं उनको एक तरह से उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है इतने अल्प पैसे दे करके, कि 60 साल तक तो वो पूरी जवानी सेवा करता है सरकार की, और उसके बाद उसको इस तरह से निकाल दिया जा रहा है और शेयर मार्केट पर आधारित करके कि जिम्मेदारी से मुक्त हो जा रही सरकार, ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं इंजीनियर एनडी द्विवेदी, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ डिप्लोमा इंजीनियर संघ का, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स नई दिल्ली। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।